तो ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर तुम लोगों ने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको जो पहले जाके देखो, वरना तुम लोगों को ये आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो जैसा कि तुम लोगों को लास्ट पार्ट में पता ही चल गया था कि मेरे को मेरे टीचर ने नहीं मारा था, लेकिन असली ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है मेरे दोस्त। तो आगे की स्टोरी समझने के लिए तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तो पता ही होनी चाहिए। तो देखो यार, मैं रहता हूँ जॉइंट फैमिली में, जिसमें कि मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे ताऊजी ताईजी, मेरे भैया दीदी और दादी जी रहते हैं। पिछले साल मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो देखो यार, मेरे भैया हैं मुझसे 5 साल बड़े, तो मतलब कि जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो वो थे 6th क्लास में, और मेरी दीदी हैं मुझसे 3 साल बड़ी, तो मतलब जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो वो थी 4th क्लास में। तो चलो बढ़ते हैं आगे स्टोरी की ओर। तो जब मेरे भैया 6th क्लास में थे तो उनकी थोड़ी थोड़ी बहुत मैथ कमजोर, तो उन्होंने अबेकस क्लासेस ज्वाइन करी हुई थी। तो अगर तुम लोगों को अबेकस के बारे में नहीं पता तो तुम लोग यूट्यूब पर सर्च करके जान सकते हो कि उससे कितनी हमारी कैलकुलेशन तेज हो जाती। तो देखो यार, अबेकस की क्लासेस एकदम स्कूल की तरह होती हैं, मतलब कि जिस तरह हमारे स्कूल में फाइनल एग्जाम होते हैं उसी तरह हमारे अबेकस के ट्यूशन में भी फाइनल एग्जाम होते हैं। तो यार असली गड़बड़ शुरू होती जिस दिन मैंने स्कूल में कांड कराया था, उसी दिन था मेरे भैया का अबेकस के ट्यूशन में लास्ट डे, मतलब लास्ट डे मतलब कि लास्ट एग्जाम। तो यार मेरे भैया या तो पैदल या फिर ऑटो से ट्यूशन चले जाया करते थे, लेकिन कभी कभार लेट हो जाने पर या फिर एग्जाम वाले दिन मेरी ताईजी उन्हें छोड़ के आया करती थी। तो यार जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया ही था कि मेरे भैया का उस दिन लास्ट एग्जाम था, तो मेरी ताईजी उन्हें छोड़ने जा ही रही थी कि उन्हें जाता देख मैंने भी उनसे जिद करी कि मैं भी जाऊंगा, तो फिर क्या था, मैं भी उनके साथ चला गया था। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात तो पता ही नहीं थी कि मेरी क्लास टीचर की जो बेटी है वो भी अबेकस का ट्यूशन लिया करती थी, और वो भी उसी बैच में उसी कोचिंग में आया करती थी जिस कोचिंग में मेरे भैया जाया करते थे। तो यार जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, थोड़ी देर बाद मेरी टीचर भी वहाँ आ चुकी थी, और उनको देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो टीचर लिटरली सबको जानती थी मेरे घर में, मेरे ताऊ जी को, मेरी ताई जी को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भैया दीदी सबको जानती थी, लेकिन वो तब भी मेरी बड़ी मम्मी के पास आके बोलती है फिर तो जैसे ही मेरी बड़ी मम्मी हाँ बोलती हैं तो वो स्कूल से वो कांड बताना शुरू कर देती हैं। उसके बाद क्या था, लेकिन क्या तुम्हें तो लगता है कि बस स्टोरी खत्म? नहीं बे, अभी इस टीचर ने तो मुझे 2 बार और पिटवाया था। तो एग्जाम वाले दिन तो मेरी ताईजी भैया को ट्यूशन छोड़ के आ जाया करती थी, और भैया वापस अपने आप ऑटो से या फिर पैदल आ जाया करते थे, लेकिन मेरी जो टीचर थी वो अपनी बेटी को खुद लेके आती थी और खुद ही लेके जाया करती थी। तो जैसा कि मैं अपनी ताईजी के संग वापस अपने घर आ ही रहा था, लेकिन बीच में हमारी दुकान भी पड़ा करती है, तो फिर मैं वहाँ ही रुक गया था। लेकिन यार उस समय मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी वही टीचर मेरी दुकान के आगे से निकल रही थी, और उसने मेरे को और मेरे पापा को बैठा देख वो दुकान पे रुक भी गई। तो यार मुझे तो पता ही था कि ये आज का पूरा कांड बताएगी, उसके बाद मुझे और पिटवाएगी, तो फिर क्या था, ऐसा ही हुआ, मैं और एक बार पिट गया। तो अगर तुम लोगों को आगे की स्टोरी जाननी है कि एक बार इस टीचर ने मुझे एक बार और कैसे पिटवाया था, तो मैं इस वीडियो पर कम से कम 15 likes तो करवाने ही होंगे, और 15 likes होते ही मैं न्यू वीडियो पर काम करना भी शुरू कर दूंगा। और हाँ, अगर तुम लोगों को शाउट आउट चाहिए मेरी वीडियोस में, तो तुम लोगों को मेरी वीडियोस पे रोज कमेंट करने होंगे। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।